मूवीज में हमें कैसे इफेक्ट्स की मदद से उल्लू बनाया जाता है, क्यों इस बंदे को बस एक बार टावर चढ़ने के 15 लाख रुपए मिलते हैं। एक ऐसा पक्षी जो कि उड़ना ही भूल गया और हनी कभी खराब नहीं होता, फिर भी उस पे एक्सपायरी डेट क्यों होती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे घर के पास जो नॉर्मल बिल्ली होती है वो यूसेन बोल्ट से भी फास्ट भाग सकती है और एवरेज कोई भी बिल्ली यूसेन बोल्ट से ज्यादा फास्ट भागती है, यानी हमारी ह्यूमन लिमिट्स कुछ जानवरों के लिए मजा है। नंबर 19, हम एक टाइम पर एक ही चीज कर सकते हैं, पर एक बार इस इमेज को देखो, ये कमाल का डॉग तीनों चीजें एक साथ कर रहा है। पीछे के पैर से बैठा है, आगे के पैर से खड़ा है और सर की मदद से सो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 18, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो व्यक्ति अक्सर लेट आता है वो बहुत क्रिएटिव होता है। हाँ, अब ये जरूरी नहीं कि सब लेट आने वाले बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्यादातर क्रिएटिव लोग टाइम को के थोड़ा बहुत ऐसे ही होते हैं और इसीलिए वो लेट हो जाते हैं। नंबर 17, आपने मुंबई इंडियंस के लोगों में ये ब्लेड देखा होगा जिसे रेजर कहते हैं, पर आखिर ये रेजर है क्यों? दरअसल मुंबई इंडियन टीम का पहले नाम मुंबई रेजर्स होने वाला था, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर जी ने सजेस्ट किया कि मुंबई रेजर से अच्छा नाम मुंबई इंडियंस है और इसीलिए यहां पर रेजर है, जिसे फिर ब्लू ऑरेंज ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बो दिया गया ताकि इंडिया और इंडियन टीम की जर्सी का फील आ सके। नंबर 16, साउथ डकोटा में हर 6 महीने में ये जो आदमी है इसे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं सिर्फ टावर पे चढ़ के बल्ब चेंज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कितना इजी जॉब है, लेकिन एक बार इस टावर की हाइट तो देख लो, ये बहुत ज्यादा बड़ा टावर है और ये जो बल्ब होता है ये भी छोटा बल्ब नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा बल्ब होता है, जिसके चलते ये बहुत रिस्की जॉब है। क्या आप इतने पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 15, जब भी हमारे हाथ में बटरफ्लाई बैठती है तो हमें लगता है कि ये हमें पसंद करती है और इसीलिए हमारे हाथ के ऊपर बैठ है, लेकिन असलियत में बटरफ्लाई हमारी बॉडी पर हमारा खून चूसने के लिए बैठती है, बिल्कुल मच्छर की तरह, लेकिन हमारी स्किन स्ट्रांग होती है इसीलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। नंबर 14, आपने कई चीजों के डब्बे में ये चीज देखी होगी जिनके ऊपर लिखा होता है डू नॉट इट, ये देख के हमें लगता है कि ये पॉइजनस है इसीलिए इसे खाना मना है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉइजनस नहीं होते बल्कि ये गले में अटक सकते हैं जिसके चलते आपकी घुटन से मौत हो सकती है, इसीलिए इनको खाना मना होता है, बाकी ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस नहीं होता, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सही है। नंबर 13, एक बार इस इमेज को देखो, आपको देखने में लग रहा होगा जैसे ये एक जाइंट क्रेफिश पूरे वर्ल्ड के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये बस बकेट के अंदर एक क्रेफिश है, इसीलिए कहा जाता है नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 12, ये कुछ काफी अमेजिंग टिप्स है, अगर आप कभी भी किसी को शार्प चीज देते हो जैसे चाकू या सीजर्स, तो आपको ब्लेड वाली साइड अपनी तरफ रखना चाहिए और हैंडल सामने वाली की तरफ, और आप जब भी किसी के डोर को नॉक करते हो तो आपको सिर्फ 2 बार नॉक करना चाहिए, फिर 10 सेकंड के ब्रेक के बाद नॉक करना चाहिए, और अगर आप किसी का पावर बैंक लेते हो तो रिटर्न करते टाइम फुल चार्ज करके देना चाहिए, और अगर आप किसी के घर जाते हो तो आपको उनके बेड पर नहीं बैठना चाहिए। कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं होती, ये कुछ मैनर्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 11, हाल ही में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, एक्चुअली में ये एक बर्ड होता है जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा था और उसपे कई लोगों ने पोस्ट कर दिया कि ये बर्ड कई टाइम तक पिंजरे में रहने की वजह से उड़ना भूल गया, जबकि एक्चुअल बात ये है ही नहीं। एक्चुअली में ये कॉन्डोर बर्ड है जो कि अर्थ के सबसे बड़े उड़ने वाले बर्ड है और अपने साइज की वजह से उन्हें उड़ने के लिए ऊंची जगह चाहिए होती है और अच्छी खासी हवा चाहिए होती है ताकि वो उड़ सके, इसीलिए इस बर्ड की बहुत केयर की जाती है और लोगों ने इसका गलत ही मतलब बना दिया। नंबर 10, आप जब भी सो के उठते हो तो आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि आपके पिल्लों पे कुछ बाल होते हैं। यूजुअली हमारे दिन में 50 से 100 बाल गिरते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा हुआ तो ये हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे पास इसका परफेक्ट सोल्यूशन है जो की है मैन मैटर्स। मैन मैटर्स का शैम्पू एक्चुअली में सिर्फ मैन के लिए बनाया गया है, जो हेयरफॉल के प्रॉब्लम्स का इलाज जड़ों को स्ट्रॉन्ग बना के करता है, इसके साथ बालों को सिल्की शाइन भी देता है। हेयरफॉल असल में DHT यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, जो टेस्टोस्टेरोन से ही कन्वर्ट होता है, और इसमें DHT ब्लॉकिंग इंग्रेडिएंट्स है जैसे 1% सॉ पैलमेटो और कैफीन, जो कि DHT को जड़ों से रोकता है और इसी वजह से आपका हेयरफॉल रुकने लगता है। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये शैम्पू में केटोकोनिजोल है जिसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है जो आपको डैंड्रफ से रिलीफ देता है। मैं मैन मैटर्स को इसलिए प्रिफर करता हूँ क्योंकि स्पेशली फॉर्मुलेटेड है मेन के लिए और ये फ्री में डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए मुझे ये ब्रांड पसंद है। आप कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और आपके लिए वहाँ स्पेशल कूपन भी है। नंबर 9, अफ्रीका के देश एरिट्रिया में हर एक आदमी को 2 शादी करना
करना कंपलसरी है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे जेल हो सकती है। दरअसल वहाँ मर्दों और औरतों की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, वहाँ वुमन की पॉपुलेशन मैन की पॉपुलेशन से डबल है और इसीलिए यहाँ हर एक आदमी को दो शादी करनी पड़ती है। नंबर 8, हैलोवीन में एक शख्स ने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था और लोगों को चाकू से डरा रहा था। पहले लोगों को लगा कि यह मजाक है, पर फिर यह आदमी लोगों पर असली में हमला करने लगा और चाकू के साथ एसिड से भी अटैक करने लगा। और देखते ही देखते ये जिस ट्रेन में बैठा था इसने उस ट्रेन में आग भी लगा दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसने 17 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। नंबर 7, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है और इसको चारों तरफ से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया गया है ताकि जंगल की आग में ये पेड़ जल ना जाए, क्योंकि ये पेड़ काफी रेयर है। नंबर 6, हैदराबाद के एक मेट्रो स्टेशन में काफी कमाल की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर लाइन से लिखा हुआ है कि हर एक सीढ़ी चढ़ने पर आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि कई लोग सामान उठा के चलते हैं तो वो ज्यादा बर्न करते होंगे, पर एटलीस्ट आप इतनी कैलोरीज तो बर्न करते ही हो। नंबर 5, एक जू में एक केयर टेकर है और ये जब भी बेबी जीब्रा को खाना खिलाने जाता है तो ये जीब्रा जैसे कपड़े पहन लेता है। दरअसल ये जेब्रा अडॉप्टेड है और छोटी उम्र से ये जेब्रा अपने मेन झुंड से और अपनी माँ से अलग हो गया था और ये इंसानों को देख के डर रहा था, जिसके बाद इस केयर टेकर ने ऐसा करने का सोचा और ये तरीका काम भी कर रहा है। नंबर 4, नेशनल ज्योग्राफी की माने तो 2050 तक हमारी बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे जितना आपको इस फोटो में दिख रहा है। इन शॉर्ट, हमारी स्किन अभी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सन रेज ज्यादा हो रहे हैं और हमारी स्किन टैन हो जाएगी। नंबर 3, आपको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेकार लगता होगा, पर सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, बस कुछ जगहों को छोड़ के। और ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर इलॉन मस्क का भी कहना है कि मार्स पर लैंड करना ज्यादा इजी है इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के मुकाबले, और इलॉन मस्क एजुकेशन सिस्टम के बारे में सच ही बोलते हैं। नंबर 2, हनी कभी एक्सपायर नहीं होता, फिर भी उस पे एक्सपायरी डेट क्यों होती है? हमें कई बार ये कहा जाता है कि शहद जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है, और ये सच भी है, लेकिन हनी के बॉटल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? दरअसल जो कंपनीज हमें हनी देती है उसमें वो लोग पानी मिलाते हैं, जिसके चलते कुछ सालों बाद पानी वेपोराइज्ड हो जाता है और हनी जेली जैसा हो जाता है। हनी खराब तो नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे हनी खराब हो गया, और यहाँ पर इसी प्रोसेस की डेट लिखी होती है, क्योंकि बाय लॉ कमर्शियल प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है, लेकिन एक्चुअली में हनी कभी खराब ही नहीं होता। नंबर 1, मूवीज में सिक्स पैक्स बनाना अब एक आम बात हो गई है। देखा जाए तो ये ट्रेंड सलमान खान से शुरू हुआ था और माना कि इनका फिजिक अभी भी काफी अच्छा है, लेकिन उम्र के साथ एब्स को बनाए रखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कई हीरोज के लिए मूवीज में सिक्स पैक्स बनाने की अलग अलग ट्रिक्स यूज की जाती है। इसमें से सबसे पहला है VFX। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे सलमान खान की बॉडी VFX के थ्रू बनाई गई है। ये वीडियो जब एक VFX कंपनी ने सोशल मीडिया पर डाला तो ये बहुत वायरल हुआ था और तब काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, क्योंकि फेक बॉडी दिखाने के लिए कई मूवीज में VFX की जगह पर एक्टर की थोड़ी बहुत बॉडी को ही हाईलाइट या फिर मेकअप करके और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।